एवरीवन, दिस इज निहारिका राठौर और जय हिंद जय महाकाल। और यहाँ बहुत ज़ोरों की बारिश और शायद आप क्या कर पा रहे हैं इसको सुन पा रहे हैं। तो माय डियर, मुझे लगा बारिश हो ही गई है तो क्यों ना इसके पीछे की कुछ साइंस पढ़ ली जाए। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ रेन, अगर बारिश क्या होती है तो इट इज़ आ लिक्विड प्रेसिपिटेशन। जी हाँ, ये आपका लिक्विड प्रेसिपिटेशन होता है। इसके बाद में मोस्टली हम लोगों ने पढ़ा है 8th 9th क्लास में कि कंडेंसेशन होता है ना, और इसी से बारिश आती है। तो माय डियर, इसको हम पूरी तरह क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। जब भी बारिश आती है तो इसमें जो प्रोसेसिंग होती है उस प्रोसेसिंग को बोलते हैं क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। और जब भी बारिश आती है तो मैम एक अजीब सी स्मेल हो जाती है ना, मतलब बहुत अजीब वाली स्मेल होती है, इसको आप फाउल स्मेल बोल सकते हैं। तो ये स्मेल किस वजह से होती है, इस स्मेल की डिस्कवरी आपके ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने करी थी। ईयर एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आया, मैं फिर बता दूंगी जब याद आएगा। बट इस स्मेल को हम क्या बोलते हैं मैम, पेट्रिकोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बारिश के अंदर जो स्मेल जनरेट होती है इसको बोलते हैं पेट्रिकोर। और इसके साथ में मैम बारिश की पीएच वैल्यू कितनी होती है, देखिए बादल भी गरज गया पीएच वैल्यू के नाम पे। तो बारिश की पीएच वैल्यू 5.6, दैट इज़ एसिडिक। बारिश का पानी क्या होता है मैम, एसिडिक होता है। इसलिए वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, बिकॉज द रेन वाटर हैज़ आयंस इन इट्सेल्फ। देन इसके साथ बारिश की बूंदें कैसी आती है मैम, बड़ी बड़ी होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, लंबी लंबी कैसी। तो जो आपकी वाटर रेन ड्रॉपलेट्स होती है माय डियर, वो स्फेरिकल इन शेप होती है एंड ड्यू टू द फिजिक्स दैट इज सरफेस टेंशन। तो 3-4 बातें बताई बारिश के बारे में, बहुत अमेजिंग फैक्ट है जो शायद आपको पहले से पता भी नहीं थे। याद रखना मैम, लिक्विड प्रेसिपिटेशन, क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, पीएच 5.6, ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने स्मेल का पता लगाया था, देन सरफेस टेंशन की वजह से बारिश की बूंदें कैसी होती है माय डियर मैम, स्फेरिकल होती हैं। और क्योंकि ये एसिड है तो एसिड के अंदर आयंस पाए जाएंगे, तो इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आई होप सो कि इफेक्ट पसंद आए होंगे। फिर मिलूंगे एक न्यू वीडियो के साथ कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय महाकाल और अ वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू।